मूंगफली व उसके तेल की बढ़ती मांग से एक बार फिर किसानों का रुझान मूंगफली की खेती की तरफ बढ़ चला है। किसान अब धान की जगह मूंगफली बुआई की तरफ लौटने लगे हैं। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से सीतापुर मूंगफली उत्पादन का गढ़ बनेगा। बता दें कि इस जनपद की 70 के दशक में उत्तर भारत को मूंगफली व तेल उत्पादन के रूप में प्रमुखता से पहचान हुआ करती थी। उस समय यहाँ की मंडी में अक्टूबर माह से फरवरी तक 50,000 बोरियां प्रतिदिन बिक्री के लिए आती थीं। छोटी बड़ी 147 तेल मिलें पेराई का काम करती थीं। मूंगफली में 70% दाना और 40-42% तेल निकलता था, लेकिन वर्ष 1980 के आसपास सूखा पड़ा, किसान घाटे में चले गए। मंडी में मूंगफली की आवक ही नहीं घटी, क्वालिटी भी गिर गई। मूंगफली में 50-52% दाना और तेल की रिकवरी 33-35% रह गई, जिससे किसानों के साथ मिले भी घाटे में चली गईं। मिलों ने तो मूंगफली की जगह महुआ और सूरजमुखी की पेराई शुरू कर दी और अंततः 1990 तक एक एक कर मिले बंद भी हो गईं। किसानों ने गन्ना और धान का रकबा बढ़ा दिया। इधर के 2-3 वर्षों में ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के मुस्तफाबाद, भिथौरा, अल्लानगर, हन्नी, ढकिया, सिकताहुली, बाजनगर, रमुआपुर, ठकुरेपुर, खोजेपुर सहित दर्जनों गांवों के किसानों ने मूंगफली की खेती करना फिर से शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब बाजार में मूंगफली की मांग ही नहीं बढ़ी है बल्कि भाव भी अच्छा मिल रहा है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन पहले ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में हुआ करता था। मूंगफली की खेती की तरफ से किसानों ने मुंह क्यों मोड़ा और अब फिर से खेती की तरफ रुझान होने की वजह क्या है, इस पर पिसावा से आए इंडिया रिपोर्टर गोपीनाथ गुप्ता ने किसानों से बात तो उन्होंने कहा। ग्राम डखिया के किसान सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिंचाई अधिक बार करने की वजह से किसानों ने मूंगफली बोना बंद कर दिया है। सुना जाता है पहले आपके इलाके में यहाँ पर मूंगफली की बहुत खेती होती थी, अब कैसी होती है? अब होती है बहुत कम होती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है पहले जो खेती होती थी वो बौनने वाली थी मूंगफली, वो बगैर पानी वानी हो जाती थी। अब इसमें पानी वानी लगता है तब होती है, इसलिए कम लोग बोते हैं। डखिया के एक अन्य किसान का कहना है कि रेट अच्छा मिलने से किसान इस साल बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती का मन बना रहे हैं। आपके वहाँ मूंगफली की खेती होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, बहुत कम होती है खेती। क्या कारण इसका? इसका कारण यह है कि अब मूंगफली के दाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं और हर किसान के जो है अब टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, साधन बढ़िया है, पानी के साधन अच्छे हो गए हैं, तो गेहूं की फसल, गन्ने की फसल की तरफ ज़्यादा किसानों का है। हम लोग गन्ने की मुख्य फसल जो है गन्ना और गेहूं की फसल है, मूंगफली के दाम ही नहीं मिल पा रहे हैं इसीलिए छोड़ दिए हैं, बीघे दो बीघे बो लेते हैं खाने पीने के लिए बस। किसान दिनेश कुमार यादव ने आई इंडिया को बताया कि पैदावार घटने से लोग मूंगफली से दूर हो गए हैं। इसके पहले मूंगफली के बारे में आप पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे जो पिताजी वगैरह थे तो मूंगफली उस समय बहुत अच्छी होती थी, यहाँ पे मूंगफली की फसल काफी एकड़ों में बोते थे और उसका जबकि उस समय लाभ उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। अगर वैसी पैदावार अब मिल जाए तो अच्छी खासी इसकी लागत आ जाएगी और बीच में इसका इतना डाउन हुआ रेट, लेबरों की लेबरी नहीं निकल पाई, इसीलिए सारा किसान सब इसकी बुआई कम कर दिए। अब फिर से दोबारा थोड़ी बहुत अब ये गर्मियों वाली मूंगफली बोते हैं लोग, वो अच्छी पैदावार होती है उसकी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी इसकी लागत और कीमत जो भी है वो मिल जाती है और थोड़ा बहुत रुझान किसानों को बढ़ा है। वैसे तो गन्ने की खेती पे ज़्यादा रुझान हुआ था लेकिन गन्ने में वैसे से रोग लग रहे हैं, उससे किसान परेशान है, लागत नहीं वापस आ रही है। हरैया के नीरज अवस्थी ने कहा कि लागत ना निकलने की वजह से घाटा हो रहा है, अब फिर से मूंगफली की मांग बढ़ रही है। मूंगफली की खेती होती थी, दरअसल मूंगफली की खेती क्या किसान का भरपूर लागत मूल नहीं पाता, किसान की खेती जो है मूंगफली की आए दिन घाटे में जा रही है, उसको भरपूर मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए और ऊपर से ये जो जानवर घूम रहे हैं अजर्रा वाले, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत ज़्यादा किसान के लिए नुकसानदायक है।
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ये जो जानवर घूम रहे हैं इनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए ताकि जिससे किसान को कुछ राहत मिले। गरीबापुर की महिला किसान सरिता ने बताया कि मूंगफली की खेती हो रही है लेकिन आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं और सब चीज गोरू ना रखते हैं कुछ, चार महीने तो बचाए रहे बाबू जी बैठे बैठे और चार महीने में हम का खाई, खेती में हो ही नहीं देते कुछ बाबू जी। कौन नहीं होने दे रहा है? गलीबापुर के किसान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सिंचाई का साधन न होने से खेती करना मुश्किल हो रहा है। आपके वहाँ मूंगफली की खेती होती है कि नहीं होती है? होती थी, अब कम होती है क्योंकि पानी के साधन के कारण। दूसरी बात, जानवर बहुत ही अधिक छुट्टा है, उनकी लागत नहीं आ रही, इसी के कारण मूंगफली कम हो गई। और क्या क्या फसलें बोई जाती हैं यहाँ पे? गेहूँ यहाँ होता है, थोड़ी बहुत धान, गन्ना। पहले की तुलना में मूंगफली अब कम बोई जाती है कि पहले कम बोई जाती थी? अब कम बोई जाती है क्योंकि उसकी व्यवस्था ज़्यादा है और उसकी लागत नहीं आ रही। स्टूडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।